सुल्तानपुर के कोतवाली नगर में मौजूद पंजाबी कॉलोनी मोहल्ले में स्वर्गीय अमरजीत बग्गा की पत्नी रोजी बग्गा ने 2 माह पूर्व अपने पति की मौत के बाद डिप्रेशन में आकर खुद को आग लगाई और फिर छत से छलांग लगा दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तफ्तीश शुरू कर दी। सुल्तानपुर में टांडा बांधा हाईवे पर गोसाईगंज थाना क्षेत्र के डफलपुर के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दुर्घटना में घायल एक युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सुल्तानपुर में थाना कोतवाली क्षेत्र से पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल एक आरोपी समेत 2 अन्य छात्र लुटेरों को धर दबोचा है। वहीं सभी की निशानदेही पर पुलिस ने तमंचा समेत कारतूस और लूट की 17,500 रुपए नगद भी बरामद की। अमेठी के शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर उस पर दहेज के बदले मारने पीटने का गंभीर आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, महिला का कहना है कि ससुराल वालों ने उसकी मां को भी जमकर पीटा। अमेठी में कमरौली थाना क्षेत्र के दौलतपुर निसुरा में खड़ंजे पर ही भवन निर्माण की नींव डाल दी गई है, जिससे सभी को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने थाने में शिकायत कर दबंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अयोध्या में कोतवाली पुलिस ने देवकली बाईपास से चोरी की 21 मोटरसाइकिल्स बरामद कर 5 अंतर जनपदीय शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पुलिस कई दिनों से इन चोरों की तलाश में थी और आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चल गई। बहराइच में कैसरगंज आते समय रोडवेज बस के कंडक्टर ने लेखपाल को स्टॉपेज पर नहीं उतारा, जिसकी शिकायत लेकर लेखपाल थाने पहुंचा, लेकिन फिर वहां पुलिस की एक तरफा कार्रवाई और उससे गाली गलौज करने से नाराज लेखपाल समेत अन्य लोग धरने पर बैठ गए। सभी ने पुलिस पर कार्रवाई की मांग करते हुए SDM कैसरगंज को एक ज्ञापन भी सौंपा। बाराबंकी में हैदरगढ़ पुलिस ने लुटेरे गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि SP यमुना प्रसाद ने पुलिस लाइन सभागार में मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चंदन पांडे, आशीष शर्मा और रोहित मिश्रा को लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर मौजूद नहर पुलिया से गिरफ्तार कर लिया है। बाराबंकी में पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर गिरोह के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। वहीं पुलिस ने इन लोगों के कब्जे से अलग अलग स्थानों से चुराई गई 14 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। रामपुर में थानागंज क्षेत्र से पुलिस ने रिमांड पर लिए गए 2 बदमाशों की निशानदेही पर चोरी का माल बरामद करने का दावा किया है। आपको बता दें कि दोनों ने जनरेटर, इन्वर्टर, बैटरी, गैस सिलेंडर, सिपिंग फैन और पानी की मोटर चुरा ली थी और फिर बाद में खुद ही सरेंडर भी कर दिया। रामपुर में धनेली उत्तरी को जाने वाले रास्ते पर नहर की पुलिया के पास झाड़ियों में प्रतिबंधित पशु के अवशेष फेंकने पर 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं चारों की तलाशी के दौरान पुलिस ने 2 तमंचे, 1 चाकू, 2 छुरी समेत कई अन्य चीजें भी बरामद की हैं। अमरोहा में जिला मुख्यालय पर जिला योजना समिति की बैठक का आयोजन किया गया। मीटिंग के बाहर राशन कार्ड बनवाने के लिए महिलाएं इकट्ठी हो गई थी। जब उनको बताया गया कि राशन कार्ड यहाँ नहीं बनेगा तो हंगामा करने लगी। उनको शांत कराने के लिए बीच में उतरे भाजपा के पूर्व विधायक के साथ सभी ने खींचतान शुरू कर दी, जिससे उनका कुर्ता फट गया। इसकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, वो भी एक भ्रामक कैप्शन के साथ। मुरादाबाद में भगतपुर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह पर एक हिस्ट्री शीटर को पैसे लेकर चुनाव कराने का गंभीर आरोप लगाया है। फिलहाल तेज तर्रार SSP प्रभाकर चौधरी ने संलिप्त पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। औरैया में सदर कोतवाली क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दरअसल यहां महोबा में आनेपुर रोड के पास तैनात सिपाही का बेरहमी से पिटाई करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल पीड़ित कांस्टेबल सौरभ अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, तभी उसे उसकी प्रेमिका के साथ ही सिपाहियों ने पकड़ कर पीट दिया। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में बीती रात कुछ बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराकर तफ्तीश शुरू कर दी। रामपुर में थाना मेरठ इलाके में एक गाड़ी में गौ मांस मिलने से नाराज हिंदू संगठन के सदस्यों ने थाने में पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। वहीं इस दौरान सभी ने वीडियो बनाने वाले एक युवक की मुखबिरी के शक में पुलिस के सामने ही पिटाई कर दी, जिसे फिर बाद में किसी तरह से पुलिस ने बचा लिया।